गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती है। जो अपराधी है उसको छोड़े नहीं जा सकते एकदम स्पष्ट तौर पर। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया। दिमाग खराब हो गया है। उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक है बिहार में। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। इन दिनों नीट मामला खूब सुर्खियों में है और इस पर जितने भी सत्ता पक्ष के नेता है वो एकजुट हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष पर हमला बोलते भी नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान बता दें कि सम्राट चौधरी ने आज विपक्ष पर करारा हमला बोला जब वो मीडिया के सवालों से घिर गए और उनसे ये सवाल किया गया कि नीट मामले में अपोजिशन सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि जिनके दामन में खुद ही दाग है वो क्या हम पर उंगली उठाएंगे। सम्राट चौधरी ने साफ ये कहा कि आप लोगों को लालू का वो राज याद करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर गुंडागर्दी हुआ करती थी। ये तमाम बातें सम्राट चौधरी ने खुलकर मीडिया के सामने कह दी। उन्होंने और क्या कुछ कहा और जब उनसे सवाल किया गया नीट मामले पर तो क्या कहते दिखाई दिए, सुनिए। सर नीट मामले में सर अपोजिशन जो है सरकार को घेर रही है, कह रही है कि जो मेन मुजरिम है उसके कई फोटोज रिलीज किए थे तेजस्वी यादव ने, लगातार बचा रही है उसको, लगातार कार्रवाई चल रहा है और जो अपराधी है उसको छोड़े नहीं जा सकते एकदम स्पष्ट तौर पर है। और अब तो सीबीआई ने भी इसको टेकअप कर लिया है। सीबीआई सब पर कार्रवाई करेगी, एकदम श्योर रहिए और जवाब देना पड़ेगा एक एक व्यक्ति। दिमाग खराब हो गया है। उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी। सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक है बिहार में। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से जवाब दिया है और साफ साफ विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश भी की है और कहा है कि अपने उस जंगल राज को याद कीजिए जब उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल, स्कैम्स और घोटाले हुआ करते थे। आज जिस तरीके से नीट मामले पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इनको भी पता है कि उसमें कौन संलिप्त है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उस पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वतः समाचार। धन्यवाद।